So finally, bread puha is ready to eat. Presentation is really good as usual. Done by my BIWI obviously. Looking so yum, tasty. खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल सुसिम ब्लॉग्स. दिस इज सूरज, सिमरन, माय बीबी. सो टुडे वी आर हियर विथ ब्रेड का पुआ मेड बाय मी. सो मेड बाय माय बीवी ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ माइन ऑब्वियसली. आई हैव इंस्ट्रक्टेड, आई हैव टॉट एवरीथिंग. ये सारा कुछ मेरा किया था. वेल फाइन, ठीक है. सो ब्रेड का पुआ विच इज रियली वेरी टेस्टी, यम्मी, अल्टीमेट, बहुत टेस्टी बना हुआ है. एंड लुक एट द प्रेजेंटेशन. ये प्रेजेंटेशन का जो आइडिया है वो मेरा था. लुकिंग गुड नो. वेल सो आते हैं ब्रेड का पुआ. आज हमने क्यों बनाया और कैसे बनाया के ऊपर. बेसिकली व्हाट हैपेंड टुडे, वी स्किप आवर लंच. मन नहीं कर रहा था बनाने का, तो आज हमने लंच नहीं बनाया है. और हमने सोचा कि आज हम लोग लंच नहीं करेंगे. बट देन फाइनली शाम हो चुकी है और भूख तो ऑब्वियसली लग चुकी है. और भूख से भी ज़्यादा क्या है, इच्छाएं जागृत हो गई थी कुछ ना कुछ खाने की, मीठा खाने की. हाँ, एक्चुअली कुछ मीठा खाने की. सो अभी कुछ ना कुछ तो खाने की इच्छा हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था. देन आई गॉट एन आइडिया कि ब्रेड पुआ खाया जाए. और मैंने रिक्वेस्ट किया अपनी मैडम से कि ब्रेड पुआ बनाइए. फिर उनको मुझे सिखाना पड़ा ऑब्वियसली. मैंने उनको सिखाया एंड देन उन्होंने, मुझे आता था पहले से, उन्होंने कुछ नहीं सिखाया मुझे. ठीक है, फेयर एनफ. सो जो भी है, ब्रेड पुआ हमने बनाया शाम में. और इसको हम लोग अभी थोड़ा टेस्ट तो हमने किया है. बहुत टेस्टी है, बहुत यम है. यस, थोड़ा अनहेल्दी है डेफिनेटली, बट कांट हेल्प वंस जब टेस्ट की बात हो जाती है, इच्छाओं की बात हो जाती है, देन कांट हेल्प नो. सो ब्रेड का पुआ बनाया है. ब्रेड का पुआ मेरी बीवी ने बनाया है. सो बीवी जी प्लीज थोड़ा सा गाइड कीजिए ये कैसे बनाया. ये बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं किया मैंने. बस एक ब्रेड था, उसको मैंने कट किया बीच से और उसको तेल में मैंने फ्राई किया. उसके बाद चाशनी में डाल दिया, बन गया ऑसम पुआ, टेस्टी वाला. सो लाइक बड़े लोग यू नो आराम से ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे नॉर्मल कर दिया. वेल बोलने में बहुत आसान होता है, बनाने के टाइम पे आपको काफी सारी चीजों का ध्यान करना है आपको इस ब्रेड को गोल्डन ब्राउन. हां, सो बेसिकली आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा ना. व्हेन यू आर फ्राइंग दिस ब्रेड इन ऑयल, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है फर्स्ट. देन चाशनी में डाल दो, चाशनी में डालो. सो चाशनी शुड बी गुड, अच्छा बना हुआ होना चाहिए, अदरवाइज आपका वो मजा नहीं आएगा. इस बीच में एक और चीज करनी होती है, तेल में से निकालने के बाद इसको आपको टिश्यू पेपर पे रखना है. अब क्या है कि टिश्यू पेपर हमारे पास था नहीं, खत्म हो गया था, लॉकडाउन चल रही है. सो हमने क्या किया, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया, न्यूज़पेपर को ऊपर डाला. वेल न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से तेल को नहीं सोख पाता है, बट देन जितना सोख पाता है उतना ही सही. हमने न्यूज़पेपर पर डाला है, न्यूज़पेपर पर से डालने के बाद उसको निकाला वहाँ से, और फिर हमने तेल जो चाशनी बना रखी थी शक्कर की उसमें डाल दिया. एंड देन उसको हमने प्लेट में निकाला और थोड़ी देर में हमने अपने मुंह में डाल दिया. सो दिस इज़ द रफ स्केच ऑफ द प्रोसेस, यू नो कि किस तरीके से ये बना है. सो देखा, जिसको अच्छे से पता है वही प्रॉपरली बता सकता है स्टेप बाय स्टेप. सो स्टेप नंबर वन, ब्रेड लेना. हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा. स्टेप नंबर वन, ब्रेड का खरीदना. अच्छा ब्रेड होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, नंबर वन. सेकंड, उसको अच्छे से कट करना होना चाहिए. यदि कट नहीं करोगे तो डिजाइन नहीं आएगा, डिजाइन नहीं आएगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा. नंबर टू. नंबर थ्री, उसको अच्छे से फ्राई करना है. कब तक? जब तक कि वो ब्राउन ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन ना हो जाए. उसके बाद उसको निकालने के बाद ऑयल को सोखने के लिए उसको टिश्यू पेपर में डालना है. उसके बाद वहां से निकाल के उसको चाशनी में डालना. और हाँ, चाशनी अच्छे से बननी चाहिए, ठीक है. सो दिस इज द प्रोसेस. और चाशनी में से निकालने के बाद उसको अच्छे से मुंह में भी डालना चाहिए. अच्छा, मुंह में डालने से पहले यदि आप उसको अच्छे से सजा के लाओगे, अच्छे से उसको गार्निशिंग कर दोगे, जैसा कि हमने थोड़ा सा इस पर किया है, इलायची वगैरह डाला है, सो इट इज लुकिंग गुड नो. सो गार्निशिंग होनी जरूरी है, इसका प्रेजेंटेशन होना जरूरी है. एंड देन उसके बाद भी एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है. अब इसको सीधा उठाओगे, जैसे तैसे खाओगे तो मजा नहीं आएगा. इसको थोड़ा अच्छे से खाओ, सलीके से खाओ तो ज्यादा मजा आएगा. यू नो, सलीके से खाने वाली चीज है ये एक्चुअली. उनको पता होगा. वेल फाइन, बट मुझे क्रेडिट लेना है. वेल सो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा देखने में. खाने में बहुत टेस्टी है ये, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ. आप लोग ऑब्वियसली भी टेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है. लॉकडाउन खत्म होने के बाद कम टू माई होम, मैं इसको फिर से बना के खिलाऊंगा जैसे मैंने आज बनाया है, मतलब बनवाया है. सो
काफ़ी टेस्टी है। अब हम लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं इसको खाने से, सो हम लोग वी आर गोइंग टू ईट दिस थिंग, ओके। एंड जब तक हम लोग इसको खाते हैं, टेस्ट लेते हैं, मज़े लेते हैं, तब तक इस ब्रेड पुआ को बनाने का जो प्रोसेस था उसको मैंने वीडियो में कैप्चर किया है, आप उसको देखिए और एन्जॉय कीजिए। लाइक सो भी कीजिए, लाइक शेयर भी भी कीजिए, कीजिए और शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कम सब्सक्राइबर है मेरे पास, और जब तक सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए, घंटी बजाइए, सो दैट आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप वो सारे वीडियोस का मज़ा ले सकें जो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ। सो थैंक यू, बाय बाय, एन्जॉय द वीडियो। सो आज हमारे यहाँ बन रहा है ब्रेड का पुआ, सिखाया मैंने है, बना भी रही है। सो सबसे पहले हमने ब्रेड को कटिंग करके ले लिया है। इसको कैसे कट किया है समूह? बड़ा तिरछा तिरछा कट किया है, कैसे हुआ? अच्छा, वाह क्या बात है। सो इसको कट करने के बाद इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, तेल में तल रहे हैं, और उसके बाद यहाँ आ रहा है, और यहाँ के बाद ये चीनी क्या है, शक्कर है ना, शक्कर की चाशनी में जा रहा है, और फिर वहाँ से यहाँ निकल के आ रहा है। सो बड़ा ही ईजी प्रोसेस है। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए। कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।